अपने पूरी की पूरी बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर दें और दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के साइड में रख लें। आप देख रहे हैं पूरी की पूरी चेस्ट कितनी अच्छी तरीके से खुल गई है, और आराम से ऐसे लेटे रहें, पेट को हल्का सा अंदर की तरफ खींच के रखें और दोनों पैरों के घुटनों को, दोनों पैरों की एड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखें। और ऐसे आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी से कुछ ऐसे इजी सिंपल इफेक्टिव योग आसनों और प्राणायाम का अभ्यास, जिससे कि ऐसे बहुत से लोगों को लाभ होगा जिनको कि ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, सांस लेने छोड़ने या रोकने में बड़ी ही कठिनाई होती है, जो कि हार्ट पेशेंट हैं या कि लंग्स से रिलेटेड दूसरी समस्याएँ हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ऐसे सभी लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि इन सारे योग आसनों की मदद से आपका लंग्स, आपके हार्ट बहुत अच्छी तरीके से वेंटिलेट होंगे, आपके चेस्ट रीजन को थोड़ा एक्सपेंशन मिलेगा। लेडीज़ अगर इसका अभ्यास करते रहते हैं तो ब्रेस्ट की मसल्स भी बहुत अच्छी तरीके से टोन होती हैं, और जिनके बैड पॉस्चर की प्रॉब्लम है ना, दिन भर ऑफिस में बैठ के ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कमर झुक जाती है पीछे, बैड पॉस्चर को ये करेक्ट करती है। साथ ही इतना ही नहीं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास डेवलप करेगी, आपको कॉन्फिडेंस से भर देगी, साथ ही इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और आपके शरीर को बहुत अच्छी तरीके से ऊर्जावान बनाएंगी। जो भी लोग बहुत लेजी महसूस करते हैं, डल महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता उनके अंदर, तो ये सारी प्रैक्टिसेस बड़ी ही लाभदायक है। आई एम श्योर ये अमेजिंग बेनिफिट्स जानने के बाद अब आप एक्साइटेड हैं ये सारे योग आसनों को जानने के लिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे दिख रहा घंटी का निशान भी आप दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो कभी भी आऊँ या लाइव कभी भी आऊँ उसकी अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? चलिए अब मैं सबसे पहला पोस्चर आपको बताती हूँ जिसका कि नाम है कैट एंड काउ स्ट्रेच। ये स्ट्रेच इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि अगर आप इसका अभ्यास हर रोज करते रहते हैं ना, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड तो फ्लेक्सिबल होगी ही होगी, साथ ही आपकी ओवरऑल बॉडी को के लाइक मसल्स को और जॉइंट्स को टोन करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, चाहे आपकी गर्दन, कंधे, आपकी रीढ़ की हड्डी, पेट की मांसपेशियां सब। तो करना कैसे है, इस तरीके से आपको टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाना है। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के वक्त ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग गलती करते हैं कि उनके हाथों की पोजीशन सही नहीं होती, तो आपकी रिस्ट यानी कलाई, एल्बो यानी कोहनी, आपका कंधा यानी आपका शोल्डर, ये तीनों एक लाइन में होना चाहिए ऐसे, और आप सामने देखेंगे, और आपका घुटना और आपका हिप ये भी दोनों एक लाइन में होने चाहिए और आप सामने देखेंगे, और पेट की जो मांसपेशियां है ना, इनको हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट यानी हल्का सा इन पर ध्यान लेके जाए और इनको हल्का सा दबाव बना के रखे, सामने देखे, गहरी लंबी सांस लें और अपनी स्पाइनल कॉर्ड को ढीला छोड़ दें और छत की तरफ देखें, और सांस छोड़ते हुए अपनी नेवल रीजन या अपनी नाभि की तरफ जब देखें तो अपनी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी को एक धनुष का आकार बना दें, इस तरीके से सी का शेप या धनुष का भो का शेप बना दें, ऐसे नाभि की तरफ देखें, सांस लें, पेट को ढीला छोड़ दें, नेवल रीजन को ढीला छोड़ दें और छत की तरफ देखें, और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचते हुए अपनी नेवल रीजन की तरफ देखें ऐसे, और पूरे के पूरे कंधे से लेकर टेल बोन तक, थोरेसिक रीजन तक स्पाइनल कॉर्ड को छत की तरफ खींच दें। एक बार और सांस लें। मैं अभी इसका अभ्यास कुछ ही राउंड किया है और आप इसका अभ्यास कम से कम 15 से 20 राउंड हर रोज करने का आदत डालिए ऐसे, और फिर उसके बाद आराम से अपने हील्स के ऊपर, एड़ियों के ऊपर ऐसे अपने हिप को ड्रॉप कर दें और दोनों घुटनों के बीच में फासला करें और अपनी छाती को अपने मैट पर ड्रॉप करें और दोनों हाथों को ऐसे सर के ऊपर ऐसे स्ट्रेच करें और हेड डाउन कर लें और रेस्ट करें यहाँ पे। दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन योगा क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपको जो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना है, ताकि क्लास के बारे में आपको सारी डिटेल भेज दी जाए।
आज इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं देश नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनको उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से गाइड करती हूँ ताकि वो अपनी हेल्थ कंडीशन से उबर सकें और पूरी ज़िंदगी योग का अभ्यास कर सकें। फिर चाहे कैसी भी हेल्थ कंडीशन, चाहे इंसोमनिया की समस्या, ब्लड प्रेशर का अप एंड डाउन होना, उनका वेट मैनेजमेंट करना, उनको डायबिटीज़ की समस्या, थायराइड की समस्या, PCOD, PCOS की समस्या, ऐसी बहुत सी समस्याओं में ऑलरेडी, हाँ, नी पेन, जॉइंट पेन, बैक पेन जैसी समस्याओं में भी मेरे स्टूडेंट्स रिकवर हुए हैं और ये सारा मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। अब हम जो दूसरे आसन का अभ्यास कर रहे हैं, ये बैठकर किए जाने वाला आसन है, इसका नाम है गौमुख आसन या काउ फेस पोज। बहुत ही अमेजिंग पोस्चर है, पूरे के पूरे छाती की मांसपेशियों को आपके एक्टिवेट करने के लिए। तो ऐसे क्रॉस लेग पोजिशन पे बैठे हैं, अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा, लेफ्ट हील को राइट हिप के नीचे ऐसे खींच के रखा ऐसे, और अपने राइट घुटने को, राइट नी को लेफ्ट नी के ऊपर ऐसे रख दिया, और इस तरीके से एडजस्ट करें दोनों को। राइट घुटने को अपने लेफ्ट साइड खींचे और लेफ्ट घुटने को राइट साइड हल्का सा खिंचाव बनाएं, जिससे कि आप ऐसे एडजस्ट करें कि आपका लेफ्ट घुटना और राइट घुटना एक लाइन में आ जाए, यानी काउ फेस, गाय के मुख जैसा। राइट पैर की एड़ी अपने लेफ्ट पैर की एड़ी राइट हिप के नीचे, और आपके राइट पैर की एड़ी लेफ्ट हिप के पास ऐसे एडजस्ट करें। और जब आप आराम से, पैरों की स्थिति आपकी ये बन जाए, तो अब हाथों की पोजीशन देखिए, आपका राइट पैर ऊपर है ना, तो इसी तरीके से राइट हाथ को धीरे से ऐसे उठाएं, खींचते हुए, ऐसे लूज करके नहीं, खींचते हुए ऐसे उठाएं और अपने दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में ऐसे लेके जाएं। आपका राइट एल्बो छत की तरफ है ऐसे, और धीरे से लेफ्ट हाथ को ऐसे घुमाते हुए और पीछे राइट हाथ और लेफ्ट हाथ दोनों को एक दूसरे के साथ फंसा ले ऐसे। अब इसमें देख रहे हैं कि आपकी छाती कितनी अच्छी तरीके से खींची हुई है, पूरी की पूरी चेस्ट रीजन पर, एक एक रिब केजेस पर तो खिंचाव आ गया, जो कि मदद करेगा आपकी हार्ट और लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करने में। और इसका अभ्यास पीछे से देखिए किस तरीके से कर रही हूँ मैं। आप अगर हल्का सा, मैंने ऐसे अपने आप को टर्न कर दिया, तो राइट हाथ ऊपर है क्योंकि राइट घुटना ऊपर है ऐसे ऐसे, और धीरे से एडजस्ट करते हुए अपने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से ऐसे फंसा लें और सामने देखें। बहुत से स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि जब वो गौमुख आसन का अभ्यास करते हैं, तो जब आप हाथों को ऐसे पकड़ेंगे तो नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे नहीं देखना है, आपको सामने की तरफ ऐसे देखना है। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे रिलीज कर दें, बॉडी के साइड में रख दें। अब अपने राइट घुटने को नीचे करें और लेफ्ट घुटने को ऊपर करें ऐसे, एडजस्ट करें अच्छी तरीके से ताकि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। अब लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट पाम ऊपर कर लिया, लेफ्ट एल्बो को अंदर की तरफ खींचा और राइट हाथ को नीचे से ऐसे ले जाते हुए एडजस्ट करें और दोनों हाथों को एक दूसरे के पास रखें। हो सकता है आप दोनों हाथों को इस तरीके से ना पकड़ पाए, तो आप क्या करेंगे, आपके पास कोई छोटी ऐसी रॉड हो या कि आपके पास कोई दुपट्टा हो, स्ट्रॉल हो, बेल्ट हो, टाई हो, आप उसका उसको ले लें और धीरे से ऐसे, मैं पीछे से दिखलाती हूँ आपको, ऐसे इस तरीके से। अगर मान लो आपका हाथ यहाँ तक पहुँच रहा है, तो धीरे 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 ऐसे वॉक करवाएं, ऐसे वॉक करवाएं, ऐसे वॉक करवाएं, ऐसे वॉक करवाएं, जितना हो सके उतना पास ऐसे ऐसे। कोशिश करें कि आपकी राइट एल्बो नीचे, लेफ्ट एल्बो सीलिंग की तरफ है और सामने देखें ऐसे। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना ही आप अपने आप को इस तरीके से इस रॉड या दुपट्टे या किसी टाई की मदद से अभ्यास कर सकते हैं। और फिर उसके बाद दोनों पैरों को खोल लें और स्थिर दंडासन में आराम करें, दोनों पाम्स को बॉडी के पीछे रखें और रेस्ट करें। अब जो मैं आपको अगला पोस्चर बता रही हूँ, इसका नाम है कोबरा पोज या भुजंग आसन।
इसका अभ्यास जब आप करते हैं ना, तो ना सिर्फ इसका अभ्यास छाती पर बल्कि आपके पेट पर बहुत अच्छा पड़ता है और आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका। तो डाइजेशन के लिए, स्पाइनल डिसऑर्डर के लिए और ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा पॉस्चर है। तो आराम से ऐसे अपने पेट के बल लेट गए और दोनों पाम्स को अपनी चेस्ट के पास ऐसे रखें, दोनों पैर की एड़ियों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लें, घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ लें और दोनों पैर के पंजों को ऐसे फ्लेक्स कर दें, बिग टो बाहर की तरफ, पैर का बड़ा अंगूठा बाहर की तरफ, और अपने हेड को, फोरहेड को मैट पर रखें ऐसे। गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे 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 हेड अप, और इस तरीके से एल्बो मुड़ी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे पूरा सीधा मत कीजिएगा, ऐसे एल्बो को होल्ड करके रखें सांसें। 5 4 3 2 1 फिर धीरे से हेड ड्रॉप कर दें, चेस्ट ड्रॉप कर दें, सांस लें, दो बार और करके बता रही हूं, सांस लें और सांसों को रोकें, 5 4 3 2 1 और सांस छोड़ते हुए हेड ड्रॉप कर दें। अगर आपको सांसें रोकने में परेशानी आ रही है, असुविधा आ रही है, तो सांसों को ना रोकें, सिर्फ ऐसे सांस लेते हुए धीरे धीरे हेड अप करें और सांस छोड़ते हुए हेड डाउन कर दें ऐसे, और रेस्ट करें ऐसे ही पेट के बल लेट कर। अब जो ये अगले पोस्चर का अभ्यास बता रही हूं ना, ये तो बड़ा ही अमेजिंग है और एक्सटेंडेड आपकी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच देने के लिए, आपकी छाती को बहुत अच्छी तरीके से वेंटिलेट करने के लिए, और साथ ही पेट पर भी इसका बहुत अच्छा दबाव पड़ेगा, लोअर बैक पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। इसका नाम है ऊर्ध्वमुख श्वानासन, या इंग्लिश में इसे अपवर्ड फेसिंग डॉग कहते हैं। ऐसे वापस से पेट के बल लेट गए, लेकिन कोबरा पोज यानी भुजंगासन और ऊर्ध्वमुख श्वानासन में डिफरेंस ये है कि दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने कमर जितना फासला करके रखेंगे, दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखेंगे, हेड डाउन कर लेंगे, सांस लेते हुए धीरे 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 हेड अप किया, चेस्ट अप किया और एल्बो को ऐसे सीधा कर लिया। अगर आपके घुटने में कोई परेशानी नहीं है तो धीरे से अपने घुटने को ऐसे ऊपर मैट से उठा लें और आर्च करें, सांस छोड़ते हुए ड्रॉप योर नी डाउन, चेस्ट डाउन, हेड डाउन, वापस से सांस लें और अपने बाजुओं की मजबूती को महसूस करें, और सांस छोड़ते हुए नी डाउन, एल्बो डाउन, चेस्ट डाउन और हेड डाउन। जो लोग ऊर्ध्वमुख श्वानासन ना कर पाए वो सिर्फ भुजंगासन करें, इतना भी कर लेंगे तो चलेगा। फिर से एक बार और सांस लें और धीरे धीरे अपनी नी को उठाया और छत की तरफ देखें, और सांस छोड़ते हुए घुटना ड्रॉप कर दिया, एल्बो को बेंड कर लिया, चेस्ट डाउन और हेड डाउन, और रेस्ट करें शवासन। अब मैं आपको जो अगला एक पोस्चर बता रही हूँ, इसका नाम है उष्ट्रासन और इंग्लिश में इसे कैमल पोज कहते हैं। देखिए, दो तरीके से बताऊंगी इस आसन का अभ्यास। आप अगर घुटने में दर्द है तो इस आसन का को अवॉइड करें, लेकिन फिर भी अगर मैनेजेबल घुटने का दर्द है तो अपने घुटने के नीचे आप एक पिलो रख सकते हैं, तकिया रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आराम से ऐसे घुटने के बल खड़े हो गए इस पिलो के ऊपर और दोनों घुटनों के बीच में अपने कमर जितना फासला कर लिया, और दोनों पाम्स को ऐसे अपने कमर के ऊपर रख के अपने चेस्ट को ओपन करना ना भूलेंगे ऐसे। पहले खड़े रहें, शोल्डर्स को रोल बैक करें, जैसे ही आपने शोल्डर्स को रोल बैक कर लिया तो अपने चेस्ट को ओपन करें, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें और फिर ऐसे सर को ढीला छोड़ दें। फिर उसके बाद सांस लें, वापस से सेंटर आ जाएं। इसका भी अभ्यास 3 से 5 बार कर लें। अब थोड़ा सा अगर आप चैलेंज देना चाहते हैं अपने आप को, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हिप को आगे की तरफ ऐसे पुश करें, और या तो एक हाथ से अपनी एड़ी को पकड़ लें अगर पॉसिबल नहीं है दोनों हाथों से तो, और अगर पॉसिबल है दोनों हाथों से तो ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लें, और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए कुछ देर तक इस पोस्चर को रोक सकते हैं, या कि फिर सीधे आप पोस्चर्स को
रिलीज करते हैं। इसका भी अभ्यास 3 से 5 बार आप कर लें, फिर उसके बाद धीरे से अपने चेस्ट को मैट पर ड्रॉप करें और अब जो हम अगले पोस्चर का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है फिश पोज या मत्स्य आसन का अभ्यास। ये अगेन आपकी चेस्ट की मसल्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट करेगा, तो आराम से इसके लिए ऐसे मैट पर लेट जाएं, दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लें ऐसे धीरे से और दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखें ऐसे। अब इसका अभ्यास मैं बहुत इजी और आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। धीरे से अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी बॉडी के अंदर टक किया ऐसे और एल्बो को फ्री रहने दिया, सांस लिया, अपने चेस्ट को ऐसे उठाएं और चेस्ट को ओपन करें जितना ओपन कर सकते हैं, फिर अपनी क्राउन को इस तरीके से मैट पर ड्रॉप कर दें और पेट की मसल्स को अंदर की तरफ खींच के रखें ऐसे। सांसों को रोक सकते हैं तो रोक लें, नहीं तो फिर नॉर्मल सांसें लें, फिर वापस से सांस लेते हुए अपनी बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर दें। आपके पास एक ऑप्शन तो ये है, अगर आप ये भी ना कर पाए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन मैं बता रही हूँ जो कि इतना सुपर इजी है कि आप इसको कभी भी कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप दो तकिया ले लीजिए, दो पिलो ले लीजिए, उसको ऐसे वर्टिकल की पोजिशन पे रखिएगा ऐसे, दो तकिया को एक के ऊपर एक आप रख दें ऐसे, एक के ऊपर एक रख दिया, फिर धीरे से अपनी पूरे के दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया और धीरे से अपने पूरी की पूरी बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर दें और दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के साइड में रख लें। आप देख रहे हैं पूरी की पूरी चेस्ट कितनी अच्छी तरीके से खुल गई है और आराम से ऐसे लेटे रहें, पेट को हल्का सा अंदर की तरफ खींच के रखें और दोनों पैरों के घुटनों को, दोनों पैरों की एड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखें और ऐसे लेट जाएं और इसी पोजीशन पे लेटे हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करें। कैसे? सांस लें, चेस्ट एक्सपैंड करें, सांस छोड़ दें, धीरे धीरे चेस्ट को डाउन करें, ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें इस पोस्चर में लेटे हुए। फिर उसके बाद इस पोस्चर को रिलीज कर दें। तो इसका अभ्यास कम से कम ऐसे लेटे हुए 5 से 10 मिनट आप लेट सकते हैं और बहुत कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे जब इसका अभ्यास आप तकिए के साथ करते हैं। दूर हो जाएंगी तो सबसे पहले अपने राइट पाम को ऐसे चेस्ट पर रखें, हम कर रहे हैं थोरेसिक ब्रीदिंग का अभ्यास, और लेफ्ट पाम को चिन मुद्रा में अडॉप्ट करके अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर रख लें और बैठने के लिए ऐसे या तो क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं या कि फिर वज्रासन की पोजीशन पे बैठ जाएं, लेकिन मैं कहूंगी कि ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ के आराम से अभ्यास करें। गहरी लंबी सांस लें, अपने चेस्ट को जितना हो सके एक्सपैंड करें, चेस्ट पर पूरी सांस भर लें। जब आप सांस लेंगे पूरे के पूरे फेफड़े को एक्सपैंड करें और फिर थोड़ा रोकें और फिर उसके बाद धीरे धीरे नाक से ही सांस को बाहर छोड़ दें। लंबी सांस ली और सांस छोड़ते हुए चेस्ट गोज इन, गहरी लंबी सांस लें, अपनी छाती को जितना हो सके उतना फुलाएं, पूरे लंग्स की 100% कैपेसिटी तक सांस ले ली। अब धीरे 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 अपनी चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी चेस्ट को अंदर जाता हुआ जाने, गहरी लंबी सांस लें, इनहेल, चेस्ट गोज आउट और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 चेस्ट गोज इन। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप दिन में कितनी भी। अब हम कर रहे हैं कपालभाति क्रिया का अभ्यास। ध्यान रखिएगा जब आपको अस्थमा का अटैक आया हो तब इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें, या सीवियर कार्डियक कंडीशन में भी इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें, और अगर करें तो आप अपने योग गुरु की निगरानी में करें, उनकी कंसल्टेशन में करें। इस तरीके से अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ें, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें और अब पूरी सांस नाक से छोड़ेंगे फोर्सफुल। कैसे?
और शांति से बैठ जाएं। फिर उसके बाद धीरे से शवासन में लेट जाएं। इसका अभ्यास अभी हमने 30 पंपिंग किया एक राउंड, आप इसका अभ्यास 30-40 पंपिंग ही रखें शुरू शुरू में और इसके 3 सेट कर लें। फिर उसके बाद शवासन में लेट जाएं और रेस्ट करें ऐसे। तो देखा आपने कितने अमेजिंग, कितने इजी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इन योगासनों का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं ना, तो आपका दिल भी जवान रहेगा और आपको सांस से रिलेटेड समस्याएं भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। लेकिन ज़रूरत है कंसिस्टेंसी का, एक बात का ध्यान रखिएगा, एक दिन योग अभ्यास करके तो ये परेशानियां नहीं जाने वाली हैं। तो आप सभी अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस चैनल के साथ जुड़ ही गए हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे दिख रहा घंटी का निशान भी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। अगर आप चाहते हैं आपकी सजेस्टेड टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं या मैं वीडियो बनाऊं। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।